अब ये हमारे समाज की और शायद हमारे सरकारी मतलब हमारे डेमोक्रेसी के आचरण की शायद ये आयरनी है कि जो इस तरह से मारामारी करता है उसे लोग नेता बना देते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं लोग, वोट करे हिंदुस्तान के तमाम लोग और संविधान और डेमोक्रेसी बचाए शाहरुख खान, ये तो ठीक नहीं है ना। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अजान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। थैंक यू सो मच हुसैन भाई हमसे बात करने के लिए। ये न्यूज़ क्लिक है, हमारे शो का नाम है एनसी हैंगआउट जी, और हम कई म्यूजिशियन से, आर्टिस्ट से, फिल्म मेकर से, राइटर से, एक्टर से बात कर रहे हैं। वीकली शो है और उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने यहाँ पहुँचे हैं। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल समझा कि आप इंटरव्यू लें, और मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ, यहीं बम्बई में बैठा हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो वीडियो हुई थी कम्यून की एक वायरल, आपकी एक कविता की, हिंदुस्तानी मुसलमान जी जी, उसके बाद एक और लत मेरे ख्याल से वायरल हुई थी, और उसके बाद अभी आपने कई सारे गाने लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, डायलॉग्स आपने लिखे हैं, अभी तक का सफ़र इस इंडस्ट्री में कैसा देख रहे हैं आप? दरअसल पहले लत वायरल हुई थी, तो जो सिगरेट वाली कविता थी वो पहले वायरल हुई थी, और उसके तकरीबन 7 या 8 महीने बाद हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो लोगों के पास पहुंची, लोगों को काफ़ी सराहा। कोई कोरिलेशन नहीं है इसका और गीतों का, बिकॉज गीत मैं पहले लिख चुका था। अच्छा। हिंदुस्तानी मुसलमान के पहले लिख चुका था, वो रिलीज़ बाद में हुए, क्योंकि दरअसल होता ही है कि गाने आप लिख देते हैं, फिर करीब 1 साल बाद 1.25 साल बाद जब फिल्म बन जाए, फिल्म शूट हो जाए, रिलीज़ होने पे आ जाए, तब गाने रिलीज़ होते हैं। तो वो एक था, तो बस वही रहा, मतलब कविताओं में जो अपनी बात थी वो कह रहे थे, जो फिर गीतों में ये हुआ कि भाई जो किरदारों की बात थी, जो कहानी की बात थी वो कहने लगे, तो अच्छा रहा। मतलब काफ़ी तरह तरह के गीत लिखे मैंने, कव्वाली भी लिखी, एक राजस्थानी भी लिखा, एक हरियाणवी में भी लिखा। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये भाषाएं बहुत अच्छे से आती हैं, मगर उतनी आती थी कि हिंदी गानों में जितने डाल के किया जा सकता है उतना आता था। काफ़ी मतलब ऐसे शब्दों का चुनाव किया जो जिसे आप कह सकते हैं कि आम फहम ज़बान है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि सड़क की ज़बान है, आम लोगों की जो रोज़मर्रा में बातचीत होती है वो ज़बान है। लेकिन चूंकि मेरी तालीम जो है, या ज़्यादातर जो मेरी ट्रेनिंग है, जो अभ्यास है मेरा, जो मश्क है, वो ज़्यादा उर्दू शायरी का है, थोड़ा पुराने शायद गीतों का भी है, मतलब एटलीस्ट जो 90s 2000s में जो लिखे जा रहे थे जो शायरों द्वारा, तो उस लहजे में उस तरह की फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, उस तरह की पोएटिक्स का इस्तेमाल करते हुए हैं जो भी हैं, तो हाँ मतलब उस तरह से रहा गीतों का। तो कैसे लिखने तक आप पहुँचें, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रोफेशनली कहीं और थे, और उसके बाद लिखने में, इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, अगर आप इसमें जितनी बात करना चाहें इसके बारे में? तो मैं दरअसल बाय एजुकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। CA करने के बाद मैं ऑडिटिंग में था, उसके बाद मैंने MBA किया है इंदौर से, उसके बाद मैं फाइनेंस का हेड था कलकत्ता में एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप में। तो मैं, हालांकि मैं पढ़ता बचपन से था, मुझे लिखने का शौक़ नहीं था बचपन से, ना ही मुझे कभी लेखक बनना था, पढ़ता बचपन से था, मुझे शायरी बहुत सारी याद थी। और चूँकि आप मतलब हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आप हिंदी ज़बान समझते हैं, जो घर में मादरी ज़बान है वो गुजराती और उर्दू का मिश्रण है। अच्छा। तो उर्दू भी आप समझते हैं, अरबी आप पढ़ना जानते हैं, तो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाई की तो अंग्रेज़ी भी जानते हैं। तो इस तरह हुआ ये कि ज़बानें आती थी, जो डायलेक्ट वगैरह हम बोला करते हैं सड़कों में, जो जिसे हम डायलेक्ट कह देते हैं, वो मतलब समझ में आते थे प्रांत के।
किताबों में रुचि थी, कहानियों में रुचि थी, शायरी में रुचि थी। शायरी मुझे बहुत ज़्यादा याद थी, अब कंपैरेटिवली कम याद है, बट उस टाइम तो बहुत याद थी, आज से 8-10 साल पहले। तो ये सब साथ में चल रहा था, साथ में घट रहा था, ये जो भी था। एक तरफ सीए भी चल रहा है, सीए की नौकरी भी चल रही है, एमबीए भी चल रहा है, एमबीए की नौकरी भी चल रही है। एक तरफ आप घूम भी रहे हैं, ऑडिटिंग वाला जॉब है तो आप तमाम शहरों में घूम रहे हैं, तमाम क्लाइंट्स, बिजनेसेस, यूनिवर्सिस को देख रहे हैं, घूम रहे हैं आप, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, हर तबके के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये साथ साथ हो रहा था, ऐसा नहीं कि बैठ के लेखक बनना चाहते थे, लेकिन जो एक शेपिंग होती है मेरे ख्याल से, या जो एक फॉर्मेशन होता है एक, मतलब एक राइटर का, वो कोइंसिडेंटली हो गया, मतलब इत्तफाकन हो गया वो। क्योंकि मैं मतलब जब तक मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि मैं लिखना चाहता हूँ, ना मेरे अंदर कोई बहुत इच्छा थी। मैं लिखता था, मैं कविताएं लिखता था। तकरीबन 2010 या 11 से मैंने कविताएं लिखना शुरू की थी, और मैं ज़्यादातर अपने लिए ही लिखता था। और एक जो बम्बई में पोइट्री इवेंट्स वगैरह हुआ करते थे, ओपन माइक हुआ करते थे 2009-10 में, ये तो प्रचलन अभी नया हुआ है, 2016-17 से शुरू हुआ है, वीडियो पे आना और वीडियो का वायरल हो जाना, तब इस तरह का माहौल नहीं होता था। तब इतने सारे लोगों की हमको चाहत भी नहीं होती थी कि सुने, हम इसी में खुश रहते थे कि हम 2009-10 की बात है कि किसी बार में गए, कैफ़े में गए, और 30-40 लोगों ने सुन लिया, उसमें अगर 5-6 हमारे जैसे कवि हैं और उनसे दोस्ती हो गई तो वही बहुत था। तो उसमें इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट कर लेना कि भाई जो शायरी करते हैं, जो कविताएं करते हैं, जो हिंदी या इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ते हैं, उर्दू का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो बस वही था। तो ये साथ साथ चलता रहा। फिर हुआ यूँ कि मैं आई थिंक जब मैं 30 साल का था, अभी मैं 37 का हूँ, तब मैं प्रमोट हुआ अपने जॉब में, और मैं चीफ मैनेजर फाइनेंस से हेड ऑफ़ फाइनेंस बन गया। तो मेरे ख्याल से प्रमोट होने के बाद मुझे लगा कि क्या ज़िंदगी भर यही करना है, क्योंकि मैं टेक्निकली CFO बन गया था उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी पोजीशन थी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और मैं अब उसके बाद आगे जाके अपने करियर में बेहतर से बेहतर कंपनियों में इसी तरह की जॉब्स करता, मुझे अच्छी लगती थी वो नौकरी। मुझे बस पता नहीं था कि मुझे ज़िंदगी भर करना है कि नहीं करना है, और अगर ये ज़िंदगी भर नहीं करना है तो फिर क्या करना है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैं ये सोचा कि मुझे दूसरी चीज़ जो आती है वो है शायरी करना आती है, और वो भी बड़ी कच्ची करना आती है, इतनी अच्छी तो नहीं आती है। और मुझे लगता था कि यही काम में मैं थोड़ा सा और सक्सेसफुल था जब मैं बम्बई में था 2009-10 में। ये कलकत्ता की नौकरी चल रही थी 2015 में। तो मुझे लगा कि यही काम शायद मैं इस काम से कम बेहतर कर पाता हूँ, तो एक बार इधर ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे शायद बम्बई जाऊँगा तो अगर मैं कविताएं पढ़ूंगा तो कोई सुन लेगा मेरी कविताएं, शायद कोई कह देगा कि भाई सुनो तुम गाना लिख दो। तो उस तरह से ही मैं आया था, वो ही नौकरी छोड़ के। पैसा था? हाँ, काफ़ी पैसा था, और चूंकि कलकत्ता थोड़ा बम्बई से तो बेहद सस्ता शहर है, तो ठीक ठाक पैसे भी मिलते थे। और नहीं, बचा हुआ तो नहीं था, क्योंकि लोन लिया था मैंने। अच्छा। तो लोन चुकाने में जब मैं यहाँ आया तब कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं था मेरे पास, तो क्योंकि एक साथ लोन चुकाने में आप मतलब क्योंकि कंगाल तो हो ही जाते हैं, तो लोन भी उतना ही बड़ा था जितना बड़ा उसका सैलरी का पैकेज था। तो वो सब खाली करते करते बेसिकली आप समझिए कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही यहाँ पहुँचा हूँ। फिर पहला गाना यहाँ को मिला, कब मिला? तो ये मुझे पहला गाना मिला करीब करीब सिंगल में। अच्छा। हाँ हाँ, तो करीब करीब सिंगल में तन्हा बेगम करके गाना है, वो मैंने क्रोनोलॉजिकली सबसे पहला गाना लिखा फिल्मों में। और उसके बाद वो गाना अच्छा लगा तनुजा को, तो उस तनुजा चंदा जो कि डायरेक्टर हैं जी, और गज़ल जो कि फिल्म की राइटर हैं, उन्होंने गज़ल मेरी दोस्त थी इसी पोइट्री इवेंट में जो मैं 2009-10 में जब वो हम कर किया करता था। तो जब मैं यहाँ आया तो उसने कहा कि अरे तुम गाना लिखने का ट्राई करो, मैं एक फिल्म बना रही हूँ, मतलब फिल्म मेरी फिल्म बन रही है एक, तो तनुजा बना रही है, तनुजा चंद्रा, तो आप कोशिश करके देखो। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। आए तो मैं इसीलिए था, मुझे लगता था मैं सिर्फ गाने ही लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा तो एक गाना उन्हें अच्छा लगा तन्हा बेगम, तो उन्होंने एक और गाना लिखवाया, तो फिर मैंने दूसरा गाना लिखा तू चले। तो वो लिखने के बाद मैं वही काम तो ढूंढ ही रहा था, और इसी दौरान मेरी TVF में नौकरी लगी थी, उनका एक राइटर्स क्लब करके था,
तो वहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रहा, एक डेढ़ साल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे स्क्रीन राइटिंग और डायलॉग वगैरह से मेरा थोड़ा वास्ता हुआ. और उसके पहले भी पढ़ता था मैं स्क्रीन प्ले और डायलॉग वगैरह, लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो पढ़ सकते हैं, ये तो बड़ी मतलब नॉवल लिखने से ही आसान काम है. हालांकि है नहीं, पर मुझे उस वक्त लगा कि ये तो आसान काम है नॉवल लिखने से. तो फिर मैं स्क्रीन राइटिंग और डायलॉग में आया, और गाने फिर उसके बाद मैंने मुक्काबाज के लिखे. तो अनुराग सर, अपेरेंटली अनुराग कश्यप जो हैं वो ढूंढ रहे थे नए लिरिसिस्ट. वरुण ने कहा कि ठीक है एक बार इससे लिखवा के देखो. वरुण ने कुछ मेरी कविताएं सुनी थी, वरुण ग्रोवर ने जी. तो इस तरह मतलब फिर मैं अनुराग सर से मिला. अनुराग सर को मैंने, उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे पास थी, उन्होंने भेजी थी, तो मैंने उनको दो गाने लिख के सुनाए थे कि यूं ही लिख दिए थे मैंने गाने. तो उन्होंने कहा हाँ अच्छे 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 अच्छे, वो ऐसे ही बात करते, काफ़ी क्विक डिसीजन लेते हैं. हाँ एक काम कर तू लिख दे गाने. तो यकीन तो मैंने नहीं किया था उनकी बात का जब उन्होंने कहा था ये, मगर लेकिन मुझे लगा ठीक है अब कह रहे हैं तो लिख देते हैं. अब वो क्योंकि इतना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस तो नहीं था कि कोई कुछ कहे और हम मान जाएं, तो जब तक सामने हो ना जाए तब तक वो वाली बात है. ऐसा नहीं कि उन पर भरोसा नहीं था, अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं था. तो फिर वही लिखे गाने काफ़ी, उसमें मुक्काबाज में काफ़ी गाने लिखे. करीब करीब सिंगल का भी वो गाना तू कहे तो काफ़ी सुना गया. इसके अलावा मुक्काबाज के कई गाने मतलब काफ़ी सुने गए. बहुत हुआ सम्मान काफ़ी सुना गया. उसमें मेरी कविता भी आई छिपकली नाम की, जो गीत में बनी और दीपक कुमार ने गाई थी. और मुझे याद नहीं करना गई थी, माफ कीजिएगा. और तो ये ये सिलसिला रहा हिंदुस्तान, इस तरह. हाँ हिंदुस्तानी मुसलमान की एक तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी, और आज जो आपकी कविता का हिंदुस्तानी मुसलमान है, क्या वही सारी चीज़ें आज भी हैं सच, या चीज़ें देखा कहाँ कैसे कैसे खेला है? ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, इसमें सच बोलना पड़ जाएगा. लेकिन क्या है कि हाँ, तो वो उसका इंस्पिरेशन बेसिकली यही था कि क्या हुआ क्या था कि मैं दरअसल मैंने पोएम जो है किसी और मूड में लिखी थी. आपने 2016 ये मैंने लिखी थी 2015 में, जब मैं नौकरी कर रहा था. मैं जा रहा था कलकत्ता से भूटान छुट्टी मनाने. अच्छा. और मैंने वो ट्रेन में कहीं तो भी लिखी थी वो पोएम, और मैंने वो पर्ची खो दी जहाँ लिखी थी. लेकिन मुझे शुरुआत की लाइन याद थी. तो वो जब आते आते 2016 के एंड में, कभी तो भी मैंने 2016 के सितंबर अक्टूबर में कभी तो भी, मेरे को वो लाइन हमेशा गूंजती रहती थी. तो वो कुछ माहौल कुछ अलग चल रहा था उस टाइम. मुझे सिर्फ पहली लाइन याद थी, जब मैंने पहली लाइन लिखी और मैंने फिर पोएम बदल गई वो, क्योंकि पुरानी मैंने घुमा दी थी, पर वो पहली लाइन वो थी. तो वो बन कुछ और गई. तो वो उस तरह से फिर इंस्पिरेशन ब्रॉडली ये था कि देखिए क्या है, पता नहीं कितना सच बोल सकते हैं वीडियो पर, पूरा बोल सकते हैं, सर सुनने को बैठे हैं आप बताइए. तो क्या है कि वो दरअसल उस दौरान क्या हो रहा था कि मेरे ख्याल से गुजरात के, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, और हमारे देश के जो सर्व सबसे ऊपर के जो मंत्री हैं वो कुछ बहुत ही सांप्रदायिक बातें कर रहे थे शमशान कब्रिस्तान को लेकर. और मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे मैसेजेस जो सोशल मीडिया पर हैं वो मुसलमान विरोधी हो रहे हैं बहुत सीधे तरीके से. तो वो एक शार्प टर्न था उस दौर में, जहाँ हर चीज़ मुसलमानों की तरफ केंद्रित कर दी जा रही थी, जो मुझे दिखाई दे रहा था, जो क्योंकि हम हर आदमी को अलग अलग चीज़ें दिखाई देती सोशल मीडिया पर. तो कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ आ गई कि मतलब मैं ये कहने पर आ गया कि भाई एक तरह का मुसलमान थोड़े ना होता है. अच्छा. ये मैं अब उस वक्त समझाने का बात था या बताने की बात थी कि भाई एक तरह के थोड़ी होते हैं, और ये तो कितनी मामूली सी बात है, कितनी ही साधारण सी बात है कि भाई एक तरह के किसी भी समुदाय में किसी भी तरह के वो नहीं, एक तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह के लोग होते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो. तो ये बहुत ही मामूली सी बात थी जो मैं उस पोएम में बोल रहा था. और वो अचरज की बात यह है कि वो मामूली सी बात भी नहीं पता थी शायद लोगों को, या उनको वो सुनने के लिए चाहिए था कि कोई आके कहे उन्हें याद दिलाए ये बात, तो इसलिए शायद वो वायरल हो गई. लेकिन उसका खैर शुक्रगुजार तो मैं हुई, ये मजाक किया मैंने लोगों का और सबका. बट हाँ, अब कैसे डिफरेंट है, अब ऐसे डिफरेंट है कि शायद एक तो अब वो जगह नहीं बची है कि मैं बात कर सकूँ,
कि मैं कुछ बता सकूं कि देखिए ये जो हिंसा हो रही है, ये जो मुसलमान विरोधी कंटिन्यूस बातें हो रही हैं, ये मत कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अब बात इतनी आगे जा चुकी है, इतना कुछ बोला जा चुका है कि मतलब अब तक समझना जाना चाहिए था जिसको समझना था। अब वो यहाँ तक अगर आ गए हैं, इसका मतलब वो समझना चाहते नहीं हैं। तो एक तो उस तरह से उस बात को रखने का मेरे ख्याल से अब बचा नहीं है। ख़ासकर एक मुसलमान होने के नाते मुझे अब लगता नहीं कि मुझे समझाना चाहिए कि क्यों नहीं मारना चाहिए। ये बताना मुझे अब इतना ठीक नहीं लगता है मेरे ख्याल से। दूसरा ये है कि शायद हाँ, जो पिछले 1-2-3 साल में हालात रहे भी हैं, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कंटिन्यूस वीडियो आते रहते हैं, एक जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आक्रमण हो रहा है मुसलमानों के ऊपर चहुओर से, मतलब उनकी पहचान पे जो निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आज ये कविता थोड़ी शायद कुछ और कहेगी। मतलब मूल हो सकता है वही हो कि भाई मुसलमान अनेक प्रकार के हैं और हर आदमी की तरह, मतलब हर इंडिविजुअल भी अपने अंदर अच्छाई और बुराई लेके चल रहा है और समाज अपने आप के अंदर भी एक अच्छाई और बुराई लेके चल रहा है। ऐसा ही हर रिलीजियस समुदाय में होता है, ऐसा ही हर दौर में होता आया है और ऐसा ही दुनिया के हर कोने में होता है। अब आप निशाना बांध के अगर मारना चाहें, वो भी सरकार का साथ लेके या सरकार का समर्थन लेके या सरकार के मिस इन्फॉर्म होने के बाद, तो अब उसमें कोई रोक नहीं सकता। क्या रोक सकता है? सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंडस्ट्री में कई लोग हैं ऐसे जो कि, पता नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि बोलते हैं, राजनीतिक टिप्पणियां करते रहते हैं, आप उनमें से एक हैं। एक ये बहुत बड़ी चीज़ चलती है कि इनफ नहीं बोला जाता, ये लोग इस पर बोलते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं, अच्छा उस पर क्यों नहीं बोला, इस पर इतना कम क्यों बोला। शाहरुख खान का एग्जांपल लेते हैं हम। अभी उन्होंने जब वो संसद भवन बन रहा था तब वो पूरा वॉइस ओवर वगैरह किया था, तब वो बात फिर से निकल के आई थी कि शाहरुख खान उतना डराया सताया हुआ मुसलमान नहीं है जितना कि एक आम मुसलमान है, तो शाहरुख खान को बोलना चाहिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। इस पर कोई राय रखते हैं आप? दो सवाल है आपके। पहला ये कि लोग फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं बोलते या कम लोग बोलते हैं, तो देखिए जो लोग बोलते हैं आप उनसे पूछिए कि वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। जो लोग नहीं बोलते आप उनसे जाके पूछे कि वो क्यों नहीं बोलते, मेरा ये मानना है। मैं किसी के क्योंकि मेरे ख्याल से हर आदमी की स्थिति अलग होती है, हर आदमी का नज़रिया अलग होता है, हर आदमी की चॉइसेस अलग होती हैं, तो मेरा कोई टिप्पणी देना शायद ठीक नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ओपिनियन नहीं है, ऑफकोर्स है, हम सब लोग जजमेंटल लोग हैं, हम सब इस तरह की बातें सोचते हैं, ह्यूमन नेचर है जज करना या सोचना, मगर मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी मैं आपसे ज़्यादा तौर पे बात कर रहा हूँ तो शायद दे दूँ, मगर आम बोलना शायद ठीक ना हो। दूसरा जो आपका सवाल है शाहरुख खान का कि भाई मतलब उनको कहा जाता है, मतलब जो कि प्रोग्रेसिव, देखिए उसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला ये कि आपने ये कहा कि आम मुसलमानों जितना उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, भाई आम मुसलमानों जैसा अत्याचार उन पर हो भी नहीं सकता है। जिस तरह मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाले को पकड़ के मार दिया गया सड़क पे, उस तरह आप शाहरुख खान के साथ कर नहीं सकते हैं। वो जिस लेवल पे है उस पे उस लेवल का ही अत्याचार होगा। उनके पास, चूड़ी वाले के पास संपत्ति है उसकी, ज़रा सी एक जो उसकी छोटी सी लेके घूम रहा है, वो छोटी सी दुकान अपने साथ जो लेके घूम रहा है, वो उसको आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं? शाहरुख खान की आप रेपुटेशन डैमेज कर सकते हैं, वही उसकी दुकान है। आप उसकी फिल्मों के पोस्टर जला सकते हैं, वही उनकी दुकान है। तो ये जो आर्थिक आक्रमण है वो, मतलब जिस तरह चूड़ी वाले को चार लोग पकड़ के सड़क पर मार रहे हैं, वैसा आप उनके साथ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ कुछ और कर सकते हैं। तो वो किया जा रहा है, आप उनके बेटे को अरेस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये ओहदा देख के जो आक्रमण हो रहा है वो हो रहा है, वो ऐसा नहीं है आक्रमण नहीं हो रहा है। उस ओहदे के आदमी पे उतना ही किया जा सकता है भाई। सच तो ये है, तो वो उतना कर रहे हैं। तो अब उसमें, अब जैसे फिर आपका दूसरा फोल्ड था कि भाई उन्होंने संसद भवन में ऐसा बयान क्यों दिया है, लोग कहते हैं कि इस पर, तो उसमें मेरा एक ही मिसरे की मेरी टिप्पणी है कि भाई देखिए, वोट करे हिंदुस्तान के तमाम लोग और संविधान और
डेमोक्रेसी बचाए शाहरुख खान, ये तो ठीक नहीं है ना। उस आदमी का तो एक ही वोट है ना ले देकर इवेंचुअली। तो मेरा ये कहना है कि भाई अब उन्होंने जो किया वो क्रिटिक किया जा सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो क्रिटिक कौन कर सकता है, मतलब ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि मैं या जो मुसलमान हैं वो अपना लीडर की तरह देख रहे हैं उसको, तो वो क्रिटिक कर रहे हैं, या वही लोग क्रिटिक कर रहे हैं जो 2013-14 के पहले खुद मोदी को वोट दे के आए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये इस तरह की मेरा मानना है कि विश्लेषण से मैं तो बचता हूँ कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरा ये मानना है कि मुझे बोलना है, मेरे बोलने का कारण ये है कि भाई मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत हमारे बोलने से अगर अवेयरनेस होती है, अगर किसी प्रकार की क्रिमिनलिटी अटैच होती है उस आदमी के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है, उस आदमी के ऊपर जो ज़मीन पर जाकर मार रहा है किसी गरीब मुसलमान को, अगर उसके ऊपर अगर वो गिरफ्तार होता है, अगर उसके अगल बगल के 10 लोग देख के डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं नहीं यार ये नहीं कर सकते, हाँ, जेल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कुछ ठीक हुआ। बहुत बार ऐसा होता है। अब ये हमारे समाज की और शायद हमारे सरकारी मतलब हमारे डेमोक्रेसी के आचरण की शायद ये आयरनी है कि जो इस तरह से मारामारी करता है उसे लोग नेता बना देते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं लोग। तो ये तो सोचने की बात है, ये तो फिर लोगों को सोचने की बात है कि क्या हर लीडर ही रेपिस्ट निकल रहा है, हर लीडर ही बलात्कारी निकल रहा है, हर लीडर ही कातिल निकल रहा है, तो फिर कैसे लीडर बनाए जा रहे हैं, लीडर बनाने की प्रक्रिया क्या हो गई है समाज में, ये तो फिर समाज को सोचना चाहिए। ये जो एक आप लोगों ने काम किया था हमें क्रेडिट दे दो यार, हाँ, जो तो क्या लड़ाई है क्रेडिट की एक लिरिसिस्ट के लिए इस इंडस्ट्री में? अगर बहुत संक्षिप्त में समझाऊं तो क्रेडिट की लड़ाई ये है कि भाई आजकल क्या हुआ है कि पुराने ज़माने की तरह कैसेट नहीं आती है या सीडी, हाँ, नहीं आती है, जिसमें लिखा हो कि म्यूज़िक बाय फला और लिरिक्स बाय ये, तो आपका नाम अक्सर मिल जाया करता था। हाँ। अब क्या हो गया है कि गाने सुने जाते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तमाम तरह के जितने भी स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं उस पर सुने जाते हैं और यूट्यूब पर सुने जाते हैं, ठीक है। अब अगर लिरिसिस्ट का नाम उनमें आएगा ही नहीं, अब वहाँ पे एक मैकेनिज्म क्या होता है कि आप एक्टर का नाम डाल दें खासकर यूट्यूब में, हाँ, टाइटल्स में भी, या आप हाँ डायरेक्टर का नाम डाल दें तो आपके ज़्यादा, या म्यूजिक डायरेक्टर अगर बहुत बड़ा हो तो उसका नाम डाल देंगे तो आपके व्यूज़ कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि सारे नाम कई बार घुसा दिए जाते हैं, बस वो एक नाम जो हटाया जाता है वो होता है लिरिसिस्ट का। तो ये एक मसला है कि जो भी काम कर रहा है लिरिसिस्ट वो उसे उस मेयार का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसे उस मेयार की पहचान नहीं मिल रही है, उसे उस मेयार की ख्याति नहीं मिल रही है, उस मतलब स्तर की ख्याति नहीं मिल रही है, और ख्याति छोड़िए मतलब नाम नहीं मिल रहा है उसमें। सिर्फ इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और यूट्यूब की ही गलती नहीं है, उसमें जनता की भी गलती है, सुनने वालों की भी गलती है थोड़ी। एक ज़माना हुआ करता था जब रेडियो में कहा जाता था कि भाई फलां ने गीत लिखा है, फलां ने गाया है, फलां ने संगीत दिया है, वो दौर चला गया, कैसेट में तब्दील हुआ, रेडियो में तो खैर अब आजकल मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन लोगों ने भी पूछना बंद कर दिया है कि किसने लिखा है। ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि 100 में से 80-90 गाने जो हैं हो सकता है स्तर के ना हों, उन्हें अच्छे ना लगते हों, स्तर गिरा हो, ये सारी बातें जायज़ भी हैं, शायद इनमें कोई तर्क दिया भी जा सकता हो इनके ख़िलाफ़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आदत भूल चुके हैं गीत सुनने वाले कि वो पूछें कि ये अगर कोई अच्छा गीत लगे तो ये लिखा किसने है। तो वहाँ से भी आना चाहिए थोड़ा प्रेशर, हाँ, कि ये लिखा किसने है। आप अब क्या हो गया कि YouTube में टाइटल में नहीं लिखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अथाह जगह है, तो वहाँ सबका नाम लिख देते हैं वो, लेकिन टाइटल में अभी भी अक्सर नाम नहीं होता है। तो वो ये होता है कि अब मैं जैसे आपको बताऊँ धागा करके गाना है, हाँ, जो ये मेरी फैमिली में था, फिर बाद में एस्पिरेंट्स में आया, लोगों को पता ही नहीं है वो गाना मैंने लिखा है,
क्योंकि हर जगह म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है, गाने वाले का नाम, या हर जगह प्रोडक्शन हाउस का नाम है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो मैंने लिखा है। तो फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है, आप हंस के छोड़ दीजिए बात को, ठीक है नहीं पता लोगों को, क्या कर सकते हैं आप? अभी आप दूसरा काम करेंगे या लोगों को बताने जाएंगे कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया? अभी इतना वक्त नहीं है, आप दूसरे काम में आगे बढ़ जाइए, आगे काम शुरू कर देते हैं आप। इसके अलावा स्क्रीन राइटर्स का भी एसोसिएशन है एक जी, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या? स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जो है वो पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीत लेखक, अच्छा गीतकार, तो इसमें इन लोगों के रजिस्ट्रेशन का काम करता है। एक तो आप मेंबर बने उसके, जितने भी लोग तमाम लोग हैं उसके मेंबर बन सकते हैं। तो अगर आपने कोई पटकथा लिखी है, किसी पटकथा में संवाद लिखे हैं, या आपने कुछ गीत लिखे हैं, तो आप एज अ मेंबर रजिस्टर होके उन्हें एक एक रजिस्टर करवा सकते हैं कि ये आपके नाम पर रजिस्टर है ये स्क्रिप्ट जो है। देखिए कॉपीराइट का मसला है, कॉपीराइट नहीं, नहीं कॉपीराइट होता है IPRS के थ्रू होता है वो। हाँ तो वो कॉपीराइट अलग होता है, ये आपके नाम पर रजिस्टर हो गई कि ये मैंने लिखी थी, ये आप मैंने पहले लिखी थी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ओके तो कल को अगर कुछ अगर चोरी हो जाए या कल को कुछ उठा लिया जाए तो आर्बिट्रेशन का काम कर सकता है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन आपके लिए। ये एक तो ये संस्था इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ लिरिक्स राइटर के साथ नहीं होता है कि क्रेडिट ना मिले, ये राइटरों के साथ भी होता है अक्सर, तो ये संस्था वो काम करती है। तो स्क्रीन राइटर आप कैसे हैं, आपने क्या काम किया? क्योंकि मुझको सच में नहीं पता था आज से पहले कि आपने स्क्रीन राइटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मुझे भी खुद को रोज़ याद दिलाना पड़ता है कि मैं स्क्रीन राइटर हूं। तो मैं आपको लिरिसिस्ट और शायरी नहीं, तो ये मैंने एक्चुअली 2019 में एक सीरीज़ आई थी अमेजोन प्राइम पे, लाखों में एक, उसका सीज़न 2 आया था, जिसमें श्वेता त्रिपाठी थी जो एक यंग डॉक्टर बनी थी। तो किस तरह मतलब वो एक गांव के अस्पताल में जाती है कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने, और क्या होता है मतलब किस तरह वो एक स्कैम में फंस जाती है, चूँकि कुछ गलती हो जाती है उस कैटरेक्ट के कैंप में, तो उसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी। तो वो काफ़ी मतलब कोई बहुत चर्चित सीरीज़ नहीं है, लेकिन कोई भी अगर हिंदुस्तान में डॉक्टरों को और अस्पतालों को देखना चाहता है कि दरअसल हिंदुस्तान में डॉक्टरों की, यंग डॉक्टरों की क्या हालत होती है और हिंदुस्तान के अस्पतालों की क्या हालत है, जो कि कोविड के बाद सबको मालूम पड़ गई, लेकिन हमें 2019 के पहले से मालूम थी, जो कि हमेशा से रही है, पब्लिक हेल्थ केयर को डिस्करेज किया गया है प्राइवेट हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए। तो ये उसी की कमेंट्री करने की थी कि भाई पब्लिक हेल्थ केयर को, एक लार्ज कमेंट्री भी है इसके अंदर, हालांकि कहानी थ्रिलर के रूप में है, स्टोरी के उसमें है, लेकिन एक बहुत अंडरलाइन कमेंट्री उसमें ये है कि कोई पॉलिटिकल विल नहीं है पब्लिक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि दरअसल गरीबों को मिलती है, और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है अगर जब हेल्थ केयर की बात होती है। तो आप वो सीरीज़, उसकी काफ़ी तारीफ हुई थी, मैं मतलब हम तीन राइटर थे, अभिषेक सेन गुप्ता, बिस्वा कल्याण नाथ और मैं, तो हम तीनों को काफ़ी सराहना मिली थी इसके लिए। दूसरी एक मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी अनकहीं कहानियाँ करके, नेटफ्लिक्स पर है वो, उसमें अनकहीं कहानियाँ में एक मध्यांतर नाम की कहानी है, जयंत केकनी साहब हैं कर्नाटक में, तो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी पर अडेप्ट की हुई है, उससे वो शॉर्ट फिल्म लिखी है, और अभिषेक चौबे ने उसको डायरेक्ट किया है और मेरे साथ में लिखा भी है। तो हम वो फिल्म भी काफ़ी सराही गई थी उस एंथोलॉजी में, मतलब सबसे अच्छी फिल्म, बहुत सारे रिव्यूअर्स ने कहा था कि वही है, और उसके लिए मैं नॉमिनेट भी हुआ था एक्चुअली आईफा 2022 में। ओके तो हाँ मतलब पटकथा में ये काम किया है मैंने। इसके अलावा मैंने डायलॉग लिखे हैं तख्त के, जो कि मुझे पता नहीं कब रिलीज़ होगी या बनेगी या कब बनेगी। और इसके अलावा रेपिस्ट नाम की एक फिल्म है अपर्णा सेन जी की, जिसमें कोंकणा है और अर्जुन रामपाल है, तन्मय धनान्या है, तो हाँ तो उस फिल्म में भी मैंने संवाद लिखे हैं। तो ये मैंने किया है, और अभी आगे मैं वही गाने लिख तो रही हूँ। अभी एक आई लव यू नाम की फिल्म आई, उसमें गाने लिखे, तरला नाम की फिल्म में एक गाना लिखा था, और दोबारा नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने उर्दू में रैप लिखा है, काफ़ी डार्क एग्जिस्टेंशियल टाइप का रैप लिखा है मैंने, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने सुना मेरे ख्याल से, वो थोड़ा डार्क है इसलिए शायद लोगों ने नहीं सुना उसे। और इसके अलावा एक सीरीज़ में डायलॉग लिख रहा हूँ अभी, और एक सीरीज़ को राइट कर रहा हूँ, तो दोनों अमेज़ॉन के लिए, तो बस यही फ़िलहाल है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सत्यम, मज़ा आया।
न्यूज़ क्लिक है जी, ये हमारा कैमरा है जी, ये या ये, अगर आप चाहते हैं कि ये बातचीत लोग देखें और देखकर सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आया हमसे बात करना तो बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया, अगर आप लोगों को सत्यम की सीरीज़ अच्छी लगी, न्यूज़ क्लिक की ये सीरीज़ अच्छी लगी, तो आप बेशक ये एपिसोड देखें, और चैनल पे जैसा कि हर कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर कहता रहता है बार बार लगातार हर वीडियो में कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपके पास वक्त हो और आपके पास जहमत उठाने की पेशेंस हो तो बिल्कुल आप वो करें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा।